इंसाइटफुल एंड एक्सट्रीमली एंगेजिंग, तो बहुत मज़ा आया है. और आई थिंक इज़ वन ऑफ वेरी मेमोरेबल इवनिंग्स ऑफ माई लाइफ. अभी जुलाई में मैं एक फिल्म शुरू कर रहा हूँ सलमान के साथ, उसमें है एक बैकड्रॉप इंडो चाइना बैकड्रॉप, और उसके ज़्यादा फिल्म के बारे में ज़्यादा नहीं बता सकते बिकॉज नेक्स्ट मंथ हम फुल अनाउंसमेंट करेंगे. बस इतना बता सकते हैं कि जुलाई में शुरू कर रहे हैं और लद्दाख में शूट कर रहा हूँ मैं पहला शेड्यूल. मेमोरेबल आई थिंक यही है कि अब मतलब एक दो घंटे के लिए आप बैठ के आप सुन सकते हैं दो बेहतरीन एक्टर्स अपना क्राफ्ट डिस्कस कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस डिस्कस कर रहे हैं फिल्म और थिएटर के बारे में. उनसे अलग अलग सवाल पूछे ऑडियंस ने कि वो कैसे अपने क्राफ्ट को अप्रोच करते हैं. तो टू बी एबल टू हेयर सच टैलेंटेड आर्टिस्ट टॉक अबाउट द क्राफ्ट इज वाज अ ट्रीट. क्या लेके जा रहा हूँ, जस्ट इट्स आई थिंक एज अ क्रिएटिव पर्सन आप चाहे किसी भी फील्ड में काम करें, चाहे आप एक्टर हो, आप राइटर हो, आप डायरेक्टर हो, सिनेमाटोग्राफर हो, अल्टीमेटली यू आर वर्किंग बिहाइंड द कैमरा, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, इन अ क्रिएटिव कैपेसिटी. अगर आप किसी ऐसे बंदे की बात सुने जिनके पास इतना एक्सपीरियंस है, 52 ईयर्स से वो काम कर रहे हैं, यू स्टार्ट टू रियलाइज लिटिल बिट कि आपको किस चीज़ों को सीरियसली लेना चाहिए और किस चीज़ों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए. Which I found he was so effortless and so unconcerned with ke log iske bare mein kya sochenge, uske bare mein kya sochenge. It is always about the personal craft ke as an artist main kya karna chahta hu. The fact that after so many years of working he's held on to that is beautiful.